नमस्कार विनोदो, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, रियलमी जिस हिसाब से अपने स्मार्टफोन को एक एक वीक के अंतर में धड़ाधड़ लॉन्च करे जा रहा है, तो अभी आपको पता होगा कि हाल ही में अभी रियलमी V5 चाइना में लॉन्च हुआ है 3 तारीख को अगस्त में। तो लीक्स अकॉर्डिंग और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वही आपको रीब्रांड करके आपको इंडिया में Realme 7 Pro के नाम से देखने को मिल सकता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Realme 7 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक 5G नेबल डिवाइस भी होगा। और दोस्तों, V5 में आपको जो स्पेक्स देखने को मिले थे, बस थोड़ा सा आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा और ये किस प्राइस पॉइंट में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो हे गाइस, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं ऑलवर टोनी स्टार्क को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं इसमें MediaTek का चिपसेट मिलेगा, Qualcomm का चिपसेट मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो अगर ये स्मार्टफोन हाई रेंज में आएगा, मतलब 20 से 30 हजार के अराउंड, तो आपको उसमें Qualcomm Snapdragon 765 का 5G नेबल चिपसेट मिलेगा। अगर 18 से 20 हजार के अराउंड ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है, तो आपको उसमें MediaTek Dimensity का एक न्यू चिपसेट मिलेगा 720 का, जो कि एक 5G नेबल प्रोसेसर होगा। डिजाइन की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पास पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा, जो कि 3D ग्लास फिनिश के साथ में आएगा। डिस्प्ले की अगर बात करें, तो आपको यहाँ डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। Realme V5 की तरह आपको यहाँ पास एक पंचुअल डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की, फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरास काफी अच्छे दिए गए हैं, आपको उसमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें, तो आपको फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल का एक पंचुअल कैमरा मिलेगा, और साथ में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जिसे कस्टमाइज कराया जाएगा रियलमी के लेटेस्ट UI रियलमी UI के ऊपर। आइए बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट के बारे में। तो इसको 3 वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च करा जाएगा, 6128GB, 8128GB और 464GB, ये 3 वेरिएंट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। एंड बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो आपको यहाँ पर 30W तक का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी। फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों, जो Realme V5 का प्राइस होने वाला है 6G+128GB वाले वेरिएंट का, आपको 16000 का देखने को मिलेगा इंडिया में। अगर दोस्तों, अगर Realme 7 Pro के प्राइस की अगर बात करी जाए, तो आपको हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, आपको 4000 या 5000 का डिफरेंस मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन शायद से आपको 20000 के अराउंड देखने को मिल सकता है Realme 7 Pro, इसका बेस वाला वेरिएंट। लॉन्च डेट की अगर बात करें, तो लॉन्च डेट सब लोग बता रहे हैं कि 30 अगस्त को ये इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, अभी Realme ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, तो ये स्मार्टफोन 30 अगस्त को नहीं लॉन्च होगा। ये स्मार्टफोन आपको सितंबर तक देखने को मिल सकता है, सितंबर के लास्ट वीक या सेकंड वीक में आ सकता है इंडिया में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ठोक के जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। और इस वीडियो को मैं लाइक टारगेट रखता हूँ 100 लाइक का, आप लोग तो बहुत ही जल्दी पूरा कर देते हो जो मैं कहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।